हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाया हूँ जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। आरआरबी जेई का एक जो एग्ज़ाम होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस आने वाला है, तो आप ये वीडियो देखिए। इसका मैं 2-3 पार्ट बना दूंगा इलेक्ट्रिसिटी का, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में आए तो उसको आप डेफिनेटली करके आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। इसका मैं 0 लेवल से बताऊँगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले आपको एक टर्म समझना होगा, चार्ज, आवेश। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आवेश, आवेश क्या होता है? आपने बहुत सारा सुना है आवेश, लेकिन ये आप समझ लीजिए आवेश होता क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बना है, कोई भी वस्तु किससे बना है। तो हम जानते हैं कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर कोई भी वस्तु जो है वो बना हुआ है। तो आवेश रहता कहाँ है, इसको हमको समझना है। तो आवेश जो है वो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे रहता है और प्रत्येक प्रोटॉन पे रहता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे आवेश रहता है, प्रत्येक प्रोटॉन पे रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, पहले आवेश का जो है वो वैल्यू कितना होता है, आवेश को किस में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट क्या है वो समझ लीजिए। तो आवेश का जो यूनिट है वो है कूलम। क्या यूनिट है, मतलब मात्रक क्या है, कूलम। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। ठीक है, तो आवेश कहाँ रहता है, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन पे रहता है और प्रोटॉन पे रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर है किसी भी वस्तु के पास, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, और एक प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन पे भी वही आवेश होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, कितना, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, लेकिन इसके आगे जो साइन है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कौन सा साइन लेता है, निगेटिव साइन, और प्रोटॉन कौन सा साइन लेता है, पॉजिटिव साइन। ठीक है, बस साइन का सिर्फ डिफरेंस रहता है, बाकी उसका जो ये है यूनिट कूलम होता है, और उस पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे दोनों पे सेम चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब ये समझिए कि कोई भी अगर वस्तु है, ठीक है, उसमें अगर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, दोनों क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस पे 3 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि आवेश उस पे होता ही नहीं है, तो 3 प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश हो गया, तो बस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6×10⁻¹⁹ को, और साइन क्या ले लेगा इलेक्ट्रॉन का, निगेटिव वाला, और प्रोटॉन पे कितना ले लेगा, प्लस, और इस पे कितना चार्ज होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1.6×10⁻¹⁹ को। अब ये समझिए कि जो मल्टीप्लाई करके आएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा, दोनों क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो ये क्या करेगा कि निगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इक्वल है, माइनस में है और प्लस में, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो, वो उस पर जो है न्यूट्रल होता है, उस समय उस पर कोई चार्ज नहीं होता,
उस समय उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज कब होता है? जब किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन अधिक हो या प्रोटॉन अधिक हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन कम हो या प्रोटॉन कम हो, ठीक है। जैसे समझिए, जैसे ये वस्तु है, इस पे मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 प्रोटॉन है, तो इस पे जो चार्ज रहेगा उस पे 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज रहेगा, मतलब कितना, 1.6 × 10⁻¹⁹, और चार्ज क्या रहेगा, निगेटिव। तो इस बोला जाएगा कि इस वस्तु पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। क्यों है निगेटिव? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पे कितना है, 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अधिक रहने के कारण चार्ज कितना हो गया, 1.6 × 10⁻¹⁹, और वो माइनस में। इसी टाइप से आप समझिए, यहाँ पे अगर एक वस्तु पे 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज है और चार्ज कौन सा नेचर का है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो समझिए, ये समझिए कि ये इसको कैंसिल कर दिया तो बचा गया सिर्फ 1 प्रोटॉन, तो 1 प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, और किस नेचर का है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो हम जान रहे हैं 1 प्रोटॉन अधिक है तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ये पॉजिटिव बॉडी हो गया, ये निगेटिव बॉडी हो गया, ठीक है, और ये कोई बॉडी नहीं हुआ, न्यूट्रल हुआ, ठीक है, आवेशहीन इसको बोलते हैं। तो आप समझ गए। अब देखिए आवेश का ट्रांसफर किस तरह होता है, ये समझिए, ये आप समझ गए चार्ज क्या होता है। अब आपसे कोई पूछे चार्ज क्या होता है तो आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, देखिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था थेल्स, इन्होंने एक प्रयोग किया था, उसमें इन्होंने क्या किया था कि 2 वस्तु को आपस में रगड़ कर दोनों में चार्ज उत्पन्न कर दिया था। तो आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने सबसे पहले 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ कर चार्ज उत्पन्न कर दिया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, थेल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनता है उसको मैं लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है कि कांच और रेशम, ठीक है, कांच और रेशम, यहाँ पे एक रेशम है, जब दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो कांच पे कौन सा चार्ज आ जाता है। तो याद रखिए, कांच जब दोनों को आपस में रगड़े तो कांच पे क्या कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि एवोनाइट, ठीक है, इस पे प्लस आएगा और इसमें माइनस, जिस पे प्लस आता है इस पे माइनस आ जाएगा, क्यों आएगा अभी तुरंत मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। एबोनाइट को जब लाख की छर, यह इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, रोएदार खाल, ठीक है, लाख की छर यह रोएदार खाल किसी भी खाल से जब रगड़ा जाता है तो इस पे कौन सा चार्ज आता है। तो याद रखिएगा, एबोनाइट पे नेगेटिव और इस पे कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज। अब समझिए थोड़ा सा, मान लेते हैं ये कांच है, ठीक है, और ये क्या है, एक रेशम का कोई कपड़ा है, ठीक है, तो इसमें अभी ये क्या है, न्यूट्रल में होगा। क्यों होगा न्यूट्रल में, क्योंकि मान लेते हैं इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है, ठीक है, और ये रेशम के छर पे मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है, ठीक है। तो जब आपस में इसको रगड़ा जाता है तो क्या होता है कि इस कांच से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, एक या कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हो गया, ठीक है, तो मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के कहाँ आ गया, इसमें, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो इसमें अब क्या अधिक हो गया,
इसमें देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो एक प्रोटॉन इसमें क्या हो गया, अधिक हो गया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, तो इसमें क्या अधिक हो गया, यहाँ देखिए एक कैंसिल हो गया, ठीक है, तो बचा क्या एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। और चार्ज का वैल्यू पूछा जाए दोनों में तो क्या होगा, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है तो वही होगा 1.6 × 10⁻¹⁹, लेकिन प्लस लग जाएगा, इसमें क्या होगा 1.6 माइनस में × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि कोई भी बॉडी चार्ज किस तरह होता है, तो चार्ज किस तरह होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। तो हमेशा याद रखिए जो ट्रांसफर होता है किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो किसका होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन का नहीं होता है। अगर ठीक है, इससे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, तो आप समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और जिसमें गया इलेक्ट्रॉन वो बॉडी क्या कहलाएगा, निगेटिव चार्ज कहलाएगा, ठीक है। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या इसमें क्या हो गया, अधिक हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। तो ये आप चार्ज अच्छी तरह से समझ गए। तो एक चीज़ और याद रखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का यूज है, शब्द का यूज है, इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, इस शब्द का पहले किसने प्रयोग किया था, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शब्द का यूज सबसे पहले जो किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उसका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उसका आप याद रखिएगा नाम, तो जितना भी मैं लिखा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस यही छोटा छोटा बनता है एग्जाम में, अगर आपको पता नहीं तो आप उसको लगा के नहीं आते हैं, और कुछ मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है, छूट जाता है, ठीक है। अब समझिए, देखिए मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें कितना, तीन इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसमें कितना चार्ज है, तो क्या करेंगे हम, इसमें दो इलेक्ट्रॉन अधिक है तो हम क्या करेंगे, दो से एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो दो पे कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो उस पे उतना चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो याद रखिएगा चार्ज को हम जो डिनोट करते हैं क्यू से डिनोट करते हैं। तो ये टू क्या है, टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसके टू क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज था, तो इसको लिख लिया। तो क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू इक्वल टू एन ई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको दिया रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहे कि पाँच इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना चार्ज है, तो हम किस तरह निकालेंगे, क्यू इक्वल टू एन ई होता है फॉर्मूला, चार्ज का फॉर्मूला एन ई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80 होता है, तो 8.0 × 10⁻¹⁹ कूलम जो है इस पे चार्ज होगा 5 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु में अगर दिया है कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो उस पे कितना चार्ज है, तो इतना होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता है कि समझिए कि मान लेते हैं कोई वस्तु है और इस पे बोला जा रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज है, कितना 1 कूलम्ब चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज है, और पूछ रहा है इस पे 1 कूलम्ब चार्ज है तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अगर एक वस्तु पे 1 कूलम्ब चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कैसे पता करेंगे, तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है,
1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इतना होता है, जो कि एक से बहुत ही कम है। ये देखा जाए तो 1.6 और 10 टू पावर माइनस 19 कूलम यहाँ पे आ जाएगा, मतलब एक से बहुत ही बहुत बहुत छोटा है ये, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। ठीक है, तो एक कूलम का वैल्यू क्या होगा, देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। क्यू इक्वल टू एनी फॉर्मूला आता है, एक कूलम तो कूलम की जगह एक रख देंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह एन रखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एक कूलम, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। मान लेते हैं हम कि किसी इस वस्तु पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जिससे क्या हुआ उसका वैल्यू कितना आ गया 1 कूलम। तो इस ये एन कितना है ये पूछ रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय, ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 टू पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर प्लस 19। ठीक है, और नीचे है 1.6। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से एक 10 रहने देंगे और एक यहाँ पे 18 लिख सकते हैं, मतलब 19 से एक यहाँ लिख लिए और एक यहाँ पे घट गया। ठीक है, ये समझ गए आप, तो 1.6 और पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो ऊपर चले जाएगा, मतलब यहाँ पे 10 और आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 डिवाइड 16 इंटू 10 टू पावर 18। इसको सॉल्व कर देते हैं कितना दे देगा, ये देखिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, एन इक्वल टू कितना आया 100 बाय 16 इंटू 10 टू पावर 18। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 16 6 96, 4 बचेगा। ठीक है, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप समझ गए कि किसी भी वस्तु पे अगर 1 कूलम चार्ज है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, समझ गए, अगर इस वस्तु पे 1 कूलम चार्ज है तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इतना इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चार्ज से कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाए छोटा छोटा ही, कि एक कूलम किसी वस्तु पे है तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, या एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर किस तरह होता है, तो सारा आप बना दीजिएगा। इसके आगे मैं पार्ट 1 ये वीडियो था, और पार्ट 2, 3 करके मैं सारा वीडियो कवर कर दूंगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।